हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ बच्चों की न्यूरो बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरिब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंट डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध डॉक्टर यूसुफ परवेज न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड मकान किराए पर देना शिक्षक को पड़ा महंगा किराएदार ने बनाया मकान मालिक को बंधक पैसे भी हड़पे जिले के पूर्व SP विवेक अग्रवाल को जिला प्रेस क्लब ने दी भावभीनी विदाई अब गृह मंत्रालय में विशेष भूमिका में होंगे विवेक अग्रवाल पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल जनता कॉलोनी का शानदार नवनिर्मित भवन तैयार शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ और पॉलिथिन है बेहद खतरनाक गाय के पेट से निकला 12 किलो प्लास्टिक देखिए ग्लोबल टीवी पर लाइव सर्जरी नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी और अब खबरें विस्तार से पातालेश्वर क्षेत्र के एक रहने वाले मकान मालिक को किराएदार ने ही बंधक बना लिया साथ ही उनसे अपने ही खाते में पैसे भी ट्रांसफर करा लिए इस मामले में जब पुलिस को खबर लगी तो पुलिस ने मकान मालिक को छुड़वाया और किराएदार पर मामला दर्ज कर जेल भेजा आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला दरअसल शिक्षक नंद कुमार डहरिया पातालेश्वर क्षेत्र में रहते हैं और इन्होंने अपना घर एक शख्स को किराए पर दिया था किराएदार दंपत्ति कुछ दिन तो ठीक रहे लेकिन बाद में वह आदमी धोखाधड़ी के मामले में जेल चला गया जब मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए कहा तो दंपत्ति ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया जेल से छूटने के बाद आरोपी किराएदार ने मकान मालिक को किराया देने के बहाने एक स्थान पर बुलाया जहां पहले से ही मौजूद अपने साथियों की मदद से उन्हें बंधक बना लिया इतना ही नहीं 20,000 रुपए अपने खाते में भी ट्रांसफर करवा लिए जैसे तैसे नंद कुमार डहरिया ने पुलिस से संपर्क साधा तब कहीं जाकर पुलिस ने उन्हें आजाद करवाया इस बीच आरोपी किराएदार फरार हो गया जबकि उसके दो अन्य साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं तो मेरे को लेके घर गए और जैसे ही हम घर पहुंचे तो वहाँ दो लोग और थे और उन्होंने हमको चेयर दिए चेयर पे हम बैठ गए और फोन तो नॉर्मली आज आते रहते हैं सबके पास तो हमारा एक फोन आया कॉल और हम उसको रिसीव किए और बात करने लगे तो उसी दौरान एक लड़का पीछे से आया उन्होंने हमारे पीछे से पकड़ लिया तो हम कोशिश किए छूटने की उससे लेकिन ये दोनों लोग भी पीछे हमारे पैर पकड़ लिए तो हमने दोनों को पैर से मारा अभी दोनों को वो दूर गिरे उसके बाद फिर उन्होंने पकड़ के और हमको रस्सी से कस दिए दोनों हाथ पैर और जैसे ही हाथ पैर कसे तो हमने उनको फिर कोशिश किया समझाने की उनको क्या चाहिए क्या करना चाह रहे हो तो नहीं सर बोले हमारा कोई नहीं एक छोटा सा काम है वो कर दीजिए फिर हम छोड़ देते हैं फिर ज्यादा टाइम हो गया तो उन्होंने एक नंबर दिया सर इस पे 20,000 ट्रांसफर करिए तो हमने सोचा कि 20,000 लेके और हमको छोड़ देगा तो हमने 20,000 उसको ट्रांसफर किया और फिर हम फिर बोले कि भाई आप छोड़ो यार तो नहीं बोले सर और एक खाते भी करना है 10,000 ठीक है तो हम मान गए वो भी और जब वो खाता बहुत देर तक उनके पास नहीं आया हम पूछा क्यों टाइम क्यों लग रहा है सर वो खाता आने करके शाम लगभग हो गई उसी दौरान जब घर पे फोन आ रहे थे घर पे मिसेस के तो उन्होंने बोला कि भाभी हमारे साथ में है सर घर पे बैठे सारा काम हो गया है हम थोड़ी देर में आ रहे हैं ऐसे करके हमने मान गया उसको मिसेस भी कुछ नॉर्मली मान गई चलो होगा घर में बैठे हैं फिर हुआ कि शाम हो गई तो शाम को फिर इनका फोन आया घर से तो हमको उन्होंने डरा ढमका के रखा था कि अगर सर कुछ बोला हम जो बोल रहे हैं वही बोलना नहीं तो ये कट्टा रखा हम उड़ा देंगे तो हम डरे हुए थे कट्टा से भाई अब बोल रहा है बार बार कि कट्टा से उड़ा देंगे 6 गोली रखी हुई ऐसा बोलता रहा तो फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो हुआ ना कि उड़ा देंगे तो हम डरे हुए थे
फिर उसी दौरान वो उनका पूरे टाइम दिन भर हमारा मोबाइल उनके पास रहा। और रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि शाम को उसके पास एक फोन आया तो दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल उन्होंने हमारा वाला विंडो पे रख दिया। हम उस विंडो पे जाकर घसटते हुए और अपने दांत से मोबाइल को पकड़ के नीचे गिराया और आपको बांध दिया गया। हाँ, बंधा थे दोनों हाथ पैर, तो नीचे गिराया और फिर पीछे से हमने मोबाइल से टेप किया कि जल्दी से थाना, और उस मैसेज को हम डिलीट भी कर दिए। मिसेज को मैसेज व्हाट्सएप किए, जल्दी से थाना, जल्दी से थाना, ज्यादा लिख नहीं पा सकते थे ना क्योंकि हाथ पीछे से बंधे थे और कैसे कर पाते थे, तो हमने जल्दी से थाना, तो इन्होंने हमें ओके किया और उसी विश्वास पे हम फिर नॉर्मल हो गए। और फिर उसके बाद जो लोग थाना गए होंगे, जैसे ही थाना गए तो उसके बाद हमें आवाज आई कि अरे कुछ ज्यादा अपराध होने वाला क्या, तो आवाज आने लगी नीचे, तो हमने फिर अपना दरवाजा बंद किया जोर से धक्का देकर, और फिर उन्होंने पुलिस गई और दरवाजा तोड़ के हमको सुरक्षित बाहर निकाला। ये नंद कुमार डहरिया जी अपने यहाँ हाई स्कूल में टीचर हैं, शासकीय स्कूल में, उनके यहाँ संतोष सोनी करके किराएदार पिछले वर्ष रहता था जो कि जेल जाने के कारण उनका किराया नहीं चुका पाया था। तो जब एक साल बाद वो रिहा होके आया तो उन्होंने उनको किराया वापस चुकाने का लालच दिया। इसके लिए अपने दो दोस्तों के साथ मिलके प्लानिंग की और तीन बार बुलाया, जिसमें तीसरे दिन जब वो उसके घर पे पहुंचे किराया लेने के लिए तो उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर उनको बंधक बना लिया। उन्होंने जैसे तैसे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी वाइफ को मैसेज किया कि उनकी सहायता करें। वाइफ कुंडीपुरा थाने पहुंची हमारे, और एक घंटे के अंदर पुलिस ने लोकेशन के आधार पर उनका पता साजी करके उनको बचा लिया। क्या कार्रवाई? इसमें अपराधियों के विरुद्ध 347, 384 और STSC एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए, फिर तीसरे आरोपी की भी तलाश चल रही। नगर निगम में फायर सर्विस विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी की सोमवार को ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर निगम के अग्निशमन विभाग में ड्राइवर के रूप में काम कर रहे कमाल खान जब अपने वाहन में बैठे थे तो अचानक बैठे बैठे एक तरफ गिर पड़े। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर कमाल खान को साइलेंट हार्ट अटैक आया था जिसके चलते उनकी जान चली गई। उनके आकस्मिक निधन से अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों में शोक की लहर फैल गई। जिले के पुलिस अधीक्षक रहे विवेक अग्रवाल का ट्रांसफर गृह मंत्रालय में विशेष भूमिका के लिए हो गया है। इस मौके पर जिला प्रेस क्लब द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। खजरे स्थित जिला परिषद कार्यालय में प्रेस क्लब अध्यक्ष सचिन पांडे के नेतृत्व में आयोजित विदाई समारोह में जिला प्रेस क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुधीर दुबे, RS वर्मा, रत्नेश जैन सहित अन्य सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य और बेहतर कार्यकाल की कामना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने भी छिंदवाड़ा में बिताए गए उन सभी लम्हों को याद किया जिसमें पुलिस और मीडिया ने मिलकर सकारात्मक सहयोग से काम किए। कार्यक्रम का सफल संचालन जिला प्रेस क्लब के सह सचिव आफाक हुसैन ने किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सचिव गिरीश लालवानी, शरद पाठक उपस्थित थे। प्रेस क्लब सदस्यों में अमित द्विवेदी, महेंद्र राय, शक्ति दुबे, नीरज सिंह चौहान द्वारा भी अग्रवाल को स्मृति चिन्ह राम दरबार के रूप में भेंट किया गया। साथ ही सभी ने प्रेस क्लब परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन पत्रकार संदीप सिंह चौहान ने किया। प्रेस क्लब साथियों को जैसा विदित है कि आदरणीय विवेक अग्रवाल सर ने 3 साल जिले में सेवाएं देते हुए अब केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नत होकर गए हैं। हम इनका हार्दिक बधाई देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने भी अपने 35 साल लगभग उस दिन छिंदवाड़ा में होकर 35 साल का रखा है। बहुत सारे हमने निकाले थे, बहुत अच्छे लोग भी मिले, अच्छे लोगों का बहुत साथ रहा। लेकिन विवेक अग्रवाल जी भी एक ऐसे अधिकारी हैं कि जिनके बारे में मैं कहूँ कि राष्ट्र की सेवा में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने हमारे साथ काम किया
छिंदवाड़ा को उन्होंने बहुत कुछ दिया, अनेक जटिल मामलों को सुलझाने में उन्होंने जो पहल की, जो इंटरेस्ट दिखाया और जो हल किया वो काबिल तारीफ रहा। मीडिया को उन्होंने हमेशा एक मित्र के रूप में ट्रीट किया। खासकर साइबर क्राइम के मामले में आप काफी सतर्क थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि कई बार ऐसे विवाद की स्थिति आई लेकिन वो बाहर तक नहीं पहुंची, आपसे अगर किसी ने मिले या वहां से समाप्त हो। सर के साथ में मेरा लगभग 2.25 साल का कार्यकाल रहा है और मैं सर्किट वाईसी के रूप में काम किया हूं, तो मैं बहुत नजदीक से सर की कार्यप्रणाली को देखा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जो है पद सुशोभित करता है और कुछ ही ऐसे विभिन्न अधिकारी होते हैं जो पद को सुशोभित करते हैं। सम्मानीय सर, बात सर आपसे कहनी है, बात गंभीर उसका है मतलब विदाई का मौका है। रत्न चाचा आप सुनिएगा, जावेद अख्तर साहब की दो लाइनें हैं कि जाते जाते वो मुझे अच्छी निशानी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी दे गया। कि बोलिए कि बैठिए कुल्लड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। मैं SP साहब को आवाज़ देता हूँ, जो भी जिम्मेदार है उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते रहेंगे। तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा जो एक बहुत खूबसूरत जिला है, बहुत सुंदर जिला है और यहाँ पर कार्य करना अपने आप में एक खुशी है। हर किसी को ऐसे सौभाग्य नहीं मिलते कि वो छिंदवाड़ा में आके सर्व करे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों के बीच यहाँ पर कार्य करने का मुझे अवसर मिला और जो भी जितना भी कर पाया वो आप लोगों के सामने है। उसमें भी बहुत सारी चीजें शायद मैं नहीं कर पाया होऊंगा, नियति होती है कई बार तारक होता है। आप लोगों की शुभकामनाएं मुझे मिली, आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, दुलार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन भर की यादें हैं मेरे लिए, मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। फल देने वाला झाड़ पानी डालते हो ना भैया, धीरे धीरे बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। हाथ थोड़ा थोड़ा चीज ले, इंस्ट्रक्शंस तो पीछे आओ, चच्चा पीछे, चच्चा थोड़ा पीछे भैया जी, सचिन भैया बैठ जाओ। जिले के हर्रई जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुखापुर में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। रोज की तरह मजदूर तालाब में काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक मिट्टी गिरने से एक मजदूर की जान चली गई। हादसे में 2 मजदूर घायल हो गए, घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ है? सर ये हादसा रोजगार गारंटी ग्राम पंचायत सुखापुरा में चल रहा था, वहाँ मिट्टी के खदान में ये सुनील नाम का लड़का खोद रहा था, ऊपर से मिट्टी गिरने से उसके हादसा हो गया सर। तो वो खत्म हुआ क्या? खत्म हो गया सर। अन्य लोग घायल हैं? सर 2 लोग और घायल हैं सर। अच्छा, लड़का की उम्र है, कितनी उम्र है उसकी? सर बच्चे की उम्र है लड़का की 15 साल का। नाबालिग बच्चा है? नाबालिग बच्चा सर, स्कूल पढ़ रहा था। आपका कौन लगता है? सर मेरा भतीजा होता है। भतीजा, आपका नाम क्या? मेरा नाम है प्रेमलाल निवासी। ग्राम में पठारा में रहता हूँ सर वर्तमान में। आज जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र हर्री जनपद पंचायत का क्षेत्र है, जिसमें नाबालिग बच्चे से काम करवाया जा रहा था। मेरा तो यह मानना है कि CO और इंजीनियर सरपंच सचिव पर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। रामजीवी के ब्लॉक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष। हमारे द्वारा पॉलिथीन बैग का बेतहाशा इस्तेमाल पशुओं और प्रकृति के लिए कितना घातक है, आप इस खबर को देखकर समझ पाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं एक गाय की सर्जरी जिसके पेट से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 किलो पॉलिथीन निकाली गई। गाय की इस सर्जरी को अंजाम दिया है छिंदवाड़ा जिले के कुशल वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम ने। इस काम में उन्हें मार्गदर्शन मिला जिले के पशुपालन विभाग के उप संचालक डॉक्टर HD पक्षवार का। जिस गाय की सर्जरी इस वक्त आप देख रहे हैं उसकी उम्र 6 साल की है, लेकिन इस दौरान इसने 12 किलो पॉलिथीन धीरे धीरे करके अपने पेट में जमा कर लिया।
बेहद तकलीफ में इस गाय को नगर निगम परासिया से उमरेड गौशाला लाया गया, जहां इसकी हालत देखकर सर्जरी का फैसला किया गया, क्योंकि इसके पेट में कितना पॉलिथिन जमा हो गया था जिससे इसका खाना पीना छूट गया था। कुशल सर्जन और पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम ने इसे असहनीय दर्द से निजात दिलाने का फैसला किया, क्योंकि यह गाय पेशाब और मल त्याग भी नहीं कर पा रही थी। ऑपरेशन कामयाब रहा। इसमें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संजीव इवनाती का भी बड़ा योगदान रहा। अगर गाय का ऑपरेशन नहीं किया जाता तो इसकी जान चली जाती। यह खबर दिखाने का हमारा अहम मकसद यही है कि अगर आप प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथिन बैग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थम जाइए। यह आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ में इन मासूम और मुक पशुओं के जान के दुश्मन भी है। दो दिन पूर्व एक गाय की शल्यक्रिया पशुपालन विभाग उप संचालक डॉक्टर पक्षवार सर के कुशल मार्गदर्शन में हमारी टीम के द्वारा की गई है। इस शल्यक्रिया में हमने गाय के पेट से 12 किलो पॉलिथीन को बाहर निकाला है और इस गाय की उम्र लगभग 6 साल थी। विगत कुछ महीने पहले यह नगर निगम परासिया के द्वारा उमरेड गौशाला लाई गई थी। गाय की स्थिति को खराब देखते हुए जांच की गई। जांच के उपरांत पाया गया कि इसके पेट में पॉलिथीन भरी हुई है। पॉलिथीन शल्यक्रिया करके निकाल दी गई है। शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई है और गाय वर्तमान में पूरी तरीके से स्वस्थ है, सुरक्षित है और जुगाली कर रही है। मेरी आम लोगों से और सामाजिक संगठनों से अपील है कि पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, पॉलिथीन का प्रयोग बंद करें। अगर बाहर मार्केट जाते भी है तो थैले लेकर जाए, पॉलिथीन में चीज़ें ना लाए। लोग पॉलिथीन में खाना भर के फेंक देते हैं, आवारा पशु उसे खाते हैं और फिर ऐसे आवारा पशु जिसमें अधिकतर गाय है ये मौत का शिकार हो जाती है। पॉलिथीन पेट में ज़्यादा टाइम तक पड़े रहने से पेट में इनकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है। चूँकि 4 पेट होते हैं तो एक पेट से दूसरे पेट में पॉलिथीन नहीं जा पाती है। इस वजह से अपच की समस्या होने के कारण लगातार बीमार रहती है और जब मल और जो गोबर है वो पास नहीं हो पाता है और मल त्यागने में और पेशाब करने में इन्हें दिक्कत होती है तो पशु की अंततः स्थिति में मृत्यु हो जाती है। इस शल्यक्रिया ही इस बीमारी का एकमात्र उपचार है। शल्यक्रिया के द्वारा ही पॉलिथीन को पेट से निकाला जा सकता है, इसलिए कृपया पॉलिथीन का प्रयोग बंद करें। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाएं त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी एवं संविदा पर काम कर रहे वर्कर्स ने तय कर लिया है कि अगर उनका नियमितीकरण नहीं किया गया तो वह 6 जनवरी से काम रोक देंगे। इसके लिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर उनके नियमितीकरण और संविलियन संबंधी मांगों को शासन नहीं मानता है तो पूरे प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा।
7 जनवरी 2023 को विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी भोपाल में कार्य का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। संगठन के अध्यक्ष राकेश साबले और उपाध्यक्ष कन्हैया सिंह राजपूत के नेतृत्व में यह आंदोलन जिले में चलेगा। आज जिले भर से विद्युत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा अधीक्षण यंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और काफ़ी लंबे समय से प्रदेश के विद्युत संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी नियमितीकरण और संविलियन की मांग को लेकर निरंतर संघर्षरत हैं, परंतु खेद का विषय है कि मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार इनकी मांगों की उपेक्षा की जाती रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में विद्युत संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है और इसी आक्रोश के कारण इनका 6 जनवरी से अनिश्चितकालीन काम बंद आंदोलन की घोषणा की गई है। 7 तारीख को भोपाल में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की गई है। इसके साथ साथ इन कर्मचारियों की मांगों का 6 तारीख तक निराकरण नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश के विद्युत अधिकारी कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स की तरफ से 9 तारीख से संपूर्ण कार्य का बहिष्कार की घोषणा की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी विद्युत अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए निरंतर संघर्षरत रहेंगे और यदि किसी प्रकार की विद्युत अव्यवस्था होती है तो इसके लिए प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश की सरकार जिम्मेदार रहेगी। इसी आशय का ज्ञापन आज अधीक्षण यंत्री महोदय को सौंपा गया। आज हम सभी जिला स्तर पर आउटसोर्स संविदा कर्मचारी माननीय श्री अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी जो मांगे हैं जायज मांगे हैं, इसका हमने पिछले 90 दिन पहले ही सरकार को एवं प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगे को पूरी नहीं की गई है। साथ में भाजपा के जनसंकल्प 2013 में उनके द्वारा कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, साथ में आउटसोर्स का संविलियन, साथ में सैलरी बढ़ाने का, लेकिन आज तक 2013 से आज 2022 हो गया है, आज तक उनके द्वारा हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। इस कारण हम 6 जनवरी 2023 से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय में, साथ में 7 जनवरी 2023 से प्रदेश स्तर पर भोपाल में काम बंद हड़ताल करेंगे। पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल जनता कॉलोनी में स्कूल के नवनिर्मित भवन में शैक्षणिक कार्य शुरू हो गया है। संस्था संचालक अखिलेश चौहान ने भूमि का वंदन करते हुए नए भवन में प्रवेश किया। यह संस्था पिछले 34 वर्षों से बेहतर शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। प्राचार्य श्रीमती अनामिका सिंह चौहान ने फीता काट कर शुभारंभ किया। अभी हम मौजूद है पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल नूतन विद्यालय निकेतन, जो कि जनता कॉलोनी में स्थित है और इस स्कूल की स्थापना 15 जून 1987 को हुई थी। इस विद्यालय में बहुत से बच्चों ने पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। इस विद्यालय की नई बिल्डिंग बन चुकी है, अब से वहाँ पे इस विद्यालय की पढ़ाई की जाएगी, वहाँ से विद्यालय का संचालन किया जाएगा।
अभी हम मौजूद हैं पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल नूतन विद्या निकेतन की नए भवन में, और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर। बताइए, आपने 34 साल का सफ़र तय करके इस नए भवन में पहुंचे हैं। सर, 1987 में 75 बच्चों से संस्था आरंभ किया था, वर्तमान में लगभग 800 बच्चे हैं, और 2016 से ही हमने भवन का निर्माण प्रारंभ किया था। 2022 आज 2 जनवरी 2023 को हम अपने नए भवन में स्थानांतरित हुए हैं, जिसके लिए साला परिवार और सभी हम गौरवान्वित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए भवन में, और बच्चों को अब शिक्षा देंगे ग्लोबल टीम की ओर से। जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार को नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं अधिवक्तागण एक दूसरे से मिले और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हम इस समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, हमारा भी कोई परिवार है, हमारे हमको भी मतलब हमका भी हमारा भी कोई ख्याल रखने वाला है। तो ये सब आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप भी अपने तरफ से सहयोग दे सकते हैं। सहयोग से, क्योंकि छिंदवाड़ा बहुत बड़ा जिला है और यहाँ के आवासों को 8 तहसीलों में जाना पड़ता है, सब दूरस्थ तहसीलें भी हैं, मालडोना, तामिया, खंडे। इसके बाद भी आपने सभी कोर्टों में जो सहयोग किया, तो उस आप लोगों के सहयोग के कारण हम लोगों को जो लक्ष्य था 25 केसों वाला, 25 से पहले काफी कुछ हमने हासिल किया है, और निश्चित ही आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। आपको खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस बार उनकी स्वस्थ परंपरा रही है कि 1 जनवरी को भी हम प्रतिवर्ष नववर्ष के रूप में यहाँ मनाते आ रहे हैं, और यह परंपरा बहुत लंबे समय से सभी अधिवक्ता और न्यायाधीश परिवार के बीच में विगत अनेक वर्षों से चली आ रही है। जिला स्वास्थ्य विभाग संघ एवं पलाश शासकीय स्वास्थ्य कर्मचारी साख समिति ने सोमवार को वर्ष 2023 के लिए अपना वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कैलेंडर का विमोचन किया गया। कैलेंडर में समिति के विभिन्न कार्यकलापों, सालाना आयोजनों एवं अवकाशों का संपूर्ण विवरण दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की तरफ से आज प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कैलेंडर का विमोचन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया, और ये कैलेंडर पूरे शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, इसमें सारी छुट्टियां भी हैं। और एक कैलेंडर और जो 5 संघों ने मिलकर बनाया है, इसमें सभी जितने भी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हैं उनके एड्रेस भी हैं, और पूरा शासकीय कैलेंडर है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की जो पलाश स्वास्थ्य समिति है उसका, साथ में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, जिला पैरामेडिकल संघ, नर्सेज एसोसिएशन एवं मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी, ऐसे जिला शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी संघ, ऐसे 5 संघों का मिला के ये दूसरे कैलेंडर का विमोचन है। वार्ड नंबर 26 रॉयल चौक में मिनी हाई मास्क का उद्घाटन हुआ। इसमें क्षेत्रवासियों को इलाके में सफेद दूध या रोशनी मिल सकेगी। हाई मास्क उद्घाटन अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो, निगम सभापति श्रद्धा बबला पटेल, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज शुक्ला, पार्षद गरिमा दामोदर, किरण हरिओम सोनी, कांग्रेस नेता सूरज यादव, पवन यादव, प्रकाश साहू एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित थे। जैसा कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी की मंशा के अनुसार शहर सरकार विकास के कार्यों को लगातार करते आ रही है, तो आज उसी श्रृंखला में हमने रॉयल चौक में मिनी मास्क को लगवाने का काम बबला पटेल जी, जो कि हमारे सभापति यांत्रिक विभाग के हैं, उनके द्वारा किया गया, और हम लोग सब यहां पर एकत्रित हुए हैं, और आने वाले समय में इसी प्रकार शहर सरकार 24 घंटे और 7 दिन जनता के द्वार में आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी मंशा के साथ हम लोग इकट्ठे हुए हैं और मिनी मास्क का अर्पण किया गया, मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की मंशा अनुरूप आज हमने रॉयल चौक वार्ड क्रमांक 31, जिसके लोकप्रिय पार्षद ब्रजेश टिंकू राय जी और हमारे नगर निगम क्षेत्र के लोकप्रिय अध्यक्ष सोनू मांगो जी की उपस्थिति में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की मंशा अनुरूप शहर के विभिन्न चाक चौराहों पर आज मिनी मास्क लाइट लगाने का काम किया। इसी श्रृंखला में आज रॉयल चौक पर
जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का आवागमन निरंतर बना रहता है और यहाँ दुर्घटना मुख्य शहर का मुख्य चौराहा है जहाँ पर निरंतर आवागमन छोटी गाड़ियों का हो चाहे बड़ी गाड़ियों का हो चाहे लगेज गाड़ियों का। यहाँ पर एक मिनी मास्ट लाइट का लोकार्पण हमारे सम्मानीय अध्यक्ष के द्वारा और मेरे द्वारा किया गया है। यहाँ चूँकि और चारों पार्षद यहाँ पर 26, 26 और 27 दामोदर। भारतीय नारी संगठन ने नए साल की शुरुआत नए संकल्प के साथ की। संगठन द्वारा स्वच्छ छिंदवाड़ा बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय नारी संगठन की अमिता आशीष बहरैया ने बताया कि छिंदवाड़ा शहर की स्वच्छता को लेकर संगठन एक बड़ा अभियान चलाएगा जिसमें शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। इसमें लोगों को जागरूक करने, अन्न का दुरुपयोग न करने, डिस्पोजेबल का प्रयोग कम से कम करने और प्लास्टिक कचरे को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। कार्यक्रम में संगठन के सभी सदस्य मौजूद थे। सभी मेंबर्स, सभी सदस्यों ने यहाँ पर नए साल का स्वागत किया। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हमने कार्यक्रम किया तो हमने माता रानी का दरबार सजाया, कीर्तन किया, केक काटा और नृत्य किया, डांस मस्ती सभी ने एंजॉय किया बहुत और सभी ने बहुत खुशियां मनाई इस कार्यक्रम में। और भारत सरकार ने अपना एक मिशन पहले ही चढ़ा रखा है, स्वच्छता स्वच्छ भारत अभियान। आज भारतीय नारी संगठन शक्ति के माध्यम से हम अपने शहर में एक बेहतरीन वातावरण बनाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आप सभी लोगों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय NSS का यह अभियान जागरूकता, सजगता, स्वास्थ्य व स्वच्छता कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप सभी समाज के, शहर के जागरूक सजग व्यक्ति हैं तो आप सभी का और हमारा दायित्व है हम हमारे अपने शहर यानी कि छिंदवाड़ा को स्वच्छ बनाने और लोगों को इस बात के लिए जागरूकता पैदा करने और हमें हमेशा सजग रहें ताकि आप अपना, अपने परिवार, अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने शहर का वातावरण उत्तम बनाने का ध्यान रखें। यह सर्वप्रथम पहल हम सभी स्वयं करेंगे तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, जागरूक भारत, जग भारत और सर्वप्रथम हमारा छिंदवाड़ा। तो बोलिए जिला कलेक्टर शीतला पटले ने सोमवार को जिले भर के अधिकारियों की कार्यों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान पिछले साल हुए कामों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नववर्ष के प्रथम माह में जिले में चल रहे कार्यों का टारगेट सेट किया। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। ग्राम मालहनवाड़ा इन दिनों श्रीराममय नजर आ रहा है। दरअसल यहां राधिका किशोरी जी बेहद सुंदर शब्दों में श्रीराम कथा सुना रही है। उन्हें सुनने बड़ी संख्या में लोग मालहनवाड़ा पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, देवेंद्र सूर्यवंशी एवं सत्येंद्र सिंह चौधरी भी कथा श्रवण करने पहुंचे। राधिका किशोरी जी ने राम भरत मिलाप की सुंदर कथा सुनाई जिसे सुन वहां मौजूद कथा रसिक भाव विभोर हो गए। चौधरी चंद्रभान सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने व्यासपीठ का आशीर्वाद भी लिया। तो उनकी नेत्र सजल हुई। साक्षात ब्रह्म जन धरम सुनहु कथा करूं। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड। मकान किराए पर देना शिक्षक को पड़ा महंगा, किराएदार ने बनाया मकान मालिक को बंधक, पैसे भी हड़पे। जिले के पूर्व SP विवेक अग्रवाल को जिला प्रेस क्लब ने दी भावभीनी विदाई, अब गृह मंत्रालय में विशेष भूमिका में होंगे विवेक अग्रवाल। पंडित नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल जनता कॉलोनी का शानदार नवनिर्मित भवन तैयार, शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ। और पॉलिथीन है बेहद खतरनाक, गाय के पेट से निकला 12 किलो प्लास्टिक, देखिए ग्लोबल टीवी पर लाइव सर्जरी। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।